उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही विख्यात विकास पुरुष पंडित नारायण दत्त तिवारी को उनकी जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर याद किया गया। आपको बता दें, कांग्रेस के स्वराज आश्रम में कांग्रेस नेताओं ने पंडित नरेंद्र तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर याद किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि विकास पुरुष पंडित नरेंद्र तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि एक ही दिन यानी 18 अक्टूबर को पड़ती है। उन्होंने कहा, पंडित नरेंद्र तिवारी ने पूरे देश के विकास में अहम भूमिका निभाई है। वह न केवल केंद्र में लगभग सभी विभागों के मंत्री रहे, बल्कि 4 बार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और साथ ही राज्यपाल भी रहे। उन्होंने उत्तराखंड के विकास का नया इतिहास लिखने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की स्थापना और विभिन्न माध्यमों से समाज में योगदान देने के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नारायण दत्त तिवारी जी की आज पुण्यतिथि मनाने के लिए हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और वह एक बहुत ही बड़े दिग्गज नेता थे, जिन्होंने उत्तराखंड ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी अपने विकास कार्यों से अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जैसे नोएडा जैसा शहर बसाया और क्या कहते हल्द्वानी में काठगोदाम में HMT कॉलोनी और उदयपुर में सिटकुल जैसे कंपनियों का वो करा, तो इसके लिए समाज पूरा उनका आजीवन ऋणी रहेगा और वो हमारे समाज में हमेशा याद किए जाएंगे। तिवारी जी सब जानते हैं कि उनको एक विकास पुरुष के नाम पर पूरा प्रदेश पूरा देश एक आम जन जानता था, और जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि चाहे उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक वो लगातार दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, देश के गृह मंत्री रहे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने विकास की एक गाथा को आगे बढ़ाया, इसलिए उनको पूरा देश पूरा प्रदेश विकास पुरुष के नाम से जानता है। वो एक ऐसे देश के एक ऐसे राज्य नेता है जिनकी जन्मदिन और पुण्यतिथि एक ही दिन मनाई जाती है, इसलिए आज इस त्यौहार को हम इसको खुशी और गम दोनों के रूप में यहाँ पर हम लोग इसको वो करते हैं, लेकिन आज हम इसको विकास के रूप में आज के दिन को मनाते हैं। बुनियादी रूप से कांग्रेस को स्थापित करने का काम किया और उत्तराखंड के एक बहुत बड़े नेता थे जिन्होंने पूरे देश के अंदर उत्तराखंड का गौरव बनाने का काम किया है, और आज हम सब लोग उन्हें याद करके उनके मूल्यों पर चलने का उनकी नीतियों पर चलने का संकल्प लेते हैं। और जिस तरह से उत्तराखंड जब बना तो जो एक नया विकास का आयाम माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने दिए, विकास पुरुष के नाम से आप प्रसिद्ध थे, आज हम जब देखते हैं कि मौजूदा सरकारें या मौजूदा कोई भी उसके बाद रहा तो वो गति आगे नहीं बढ़ी, तो आज हम संकल्प लेते हैं कि सरकारों को भी सदमति मिले और वो नरेंद्र तिवारी जी के जो अधूरे पड़े कार्य हैं जो उनके नीतियां थी उसके अनुसार चले। जैसे विकास कार्य देखते आ रहे हैं, इतना मतलब विकास कार्य यहाँ पर हुआ था उत्तराखंड में, और जैसे कि उद्योग सबसे ज़्यादा जैसे सिटकुल है, कई मतलब यहाँ पर कॉलेज हैं, तो हम स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी की देन है और उसे हम लोग भूल नहीं सकते, और आज जो हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है और उन्हें हम हर्षोल्लास के साथ याद भी करते हैं और साथ साथ नमन भी उन्हें हम करते हैं। देखिए, स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी जो विकास पुरुष के नाम से भी जाने थे और हिमालय पुत्र के नाम से भी जाने थे, तिवारी जी की जो विकास परक सोच थी जिसका लाभ उत्तराखंड को मिला, जिसका लाभ उत्तर प्रदेश को मिला, और भारत सरकार में विभिन्न जिम्मेदारियों के तहत विभिन्न मंत्रालयों के तहत उन्होंने जो विकास पूरे समूचे भारत में किए, तो आज उत्तराखंड जो विकास उन्होंने किए, जो उससे रेवेन्यू इकट्ठा होता है उस पर आज निर्भर करता है, जितनी भी तनख्वाहें जाती हैं, जो भी राजस्व प्राप्त होता है, जो तिवारी जी नींव रख के गए इस उत्तराखंड की, और ऐसे महान पुरुष को आज हम श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं, नमन करते हैं।